अपने बहना योजना में 1,29,00,000 बहनों के जीवन बदला है। तालियां, संवर्धन, समृद्धि, खुशियों का आलम लेकर आया है योजना। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 तारीख को ही यह समय चुना है, ये गौरव के क्षण है। और अब मध्य प्रदेश की एक एक बहनों के जीवन में खुशियां और समृद्धि का एक अलग जगाया है इस योजना ने। अब दूसरे योजना की भी सौगात और राशि का अंतरण हमारे प्रदेश के जननायक माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह, किसान कल्याण योजना के राशि का अपने शुभ हाथों से रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी किसान कल्याण योजना का राशि का अंतरण अपने शुभ हाथों से कर रहे हैं। समृद्ध अन्नदाता, विकसित मध्य प्रदेश, स्वयं मुख्यमंत्री जी किसान पुत्र हैं और उस भाव को समझते हैं। 81,00,000 किसानों के जीवन में खुशियां आएगी। 1,630 करोड़ रुपए की यह राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंतरित की है। और इस श्रृंखला में आज की जो तीसरी योजना का अंतरण अपने शुभ हाथों से जो योजना है, मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की राशि अपनी शुभ हाथों से अंतरित करेंगे माननीय जननायक मध्य प्रदेश। चौबीस लाख से अधिक हितग्राही, 41 करोड़ रुपए, जोरदार तालियां। पीएम बात कर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और एक और योजना का माननीय मुख्यमंत्री जी आज की जो चौथी सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन योजना, जिसमें 55,00,000 हितग्राहियों को 330 करोड़ से अधिक राशि। माननीय मुख्यमंत्री जी से आदर पूर्वक आग्रह कि आप अपने शुभ हाथों से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि का अंतरण करें। जोरदार तालियां। आज सामाजिक सुरक्षा में हमारे पेंशन के माध्यम से 55,00,000 से अधिक हितग्राहियों के जीवन में खुशियां। इस योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज 4 महती योजनाएं, लाडली बहना योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और सामाजिक सुरक्षा, तालियां बजाएं जोरदार। मध्य प्रदेश के जननायक आपके बीच है। और अब मैं कार्यक्रम में उद्बोधन के इस क्रम को शुरू करता हूं। मैं बड़ी आदर पूर्वक इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय हरिशंकर खटीक जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और स्वागत उद्बोधन। माननीय हरिशंकर जी खटीक, आप आए और स्वागत उद्बोधन के लिए। लाडली बहने एक बार धन्यवाद ज्ञापित करें अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए। पट्टिकाओं के माध्यम से अंतस मन की गहराइयों से डॉक्टर मोहन यादव जी का वाह। बोलिए परम पूज्य राउतपुरा सरकार महाराज की जय। परम पूज्य राउतपुरा सरकार महाराज की जय। आज परम पूजनीय अनंत विभूषित श्री श्री 108 श्री रविशंकर महाराज जी राउतपुरा सरकार जी का जन्मदिवस का कार्यक्रम है। हम सब लोग ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। वो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय एवं हम सबके लाडले सांसद हमारे बड़े भाई साहब सम्मानित श्री वीडी शर्मा जी, हमारे भारत सरकार के मंत्री, टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सम्मान्य डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, सम्मानीय मंच पर उपस्थित सभी हमारे महानुभाव, मंच के सामने उपस्थित हमारे सभी माताओं बहनों, पितातुल बुजुर्गों, सभी साथी भाइयों, आज वास्तव में इस बुंदेलखंड की धरती पर हमारा जतारा विधानसभा क्षेत्र का छिपरी ग्राम, जो मतदान केंद्र क्रमांक 1 के नाम से जाना जाता है, आज प्रफुल्लित हो उठा है। क्योंकि यहां पर परम पूज्य महाराज जी ने यहां पर 2,00,000 पौधों को लगाने का काम किया था और आज सदाशिव
महादेव भगवान का लोकार्पण का कार्यक्रम परम पूज्य राजपुरा सरकार माने रविशंकर महाराज जी के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में आज यहां पर किया गया। आज यहां की धरती प्रफुल्लित है, खुशहाली के वातावरण में प्रफुल्ल हो रही है, ऊपर से घनघोर वर्षा ही खुशहाली का वातावरण है। आज हम आप सबके बीच में बताना चाहते हैं कि परम पूज्य हमारे राजपुरा सरकार महाराज जी पंडित रविशंकर महाराज जी जब 12 वर्ष के थे तो इसी पहाड़ पर वो आकर के इस घनघोर जंगल में उस समय बैठते थे और लगातार 7 दिन तक यहाँ पर बनी हुई गुफा उसमें भी रहे और उसी पर्वत पर बैठ करके उन्होंने वैराग्य प्राप्त हुआ था। यहाँ से निकल कर महाराज जी ने संपूर्ण भारत तीर्थों का भ्रमण किया और तत्पश्चात मठ मंदिर आश्रम संस्थानों की स्थापना की, सेवा के केंद्रों में गौशाला कढ़ाई बुनाई केंद्र स्थापित कर माताओं बहनों जरूरतमंदों को रोजगार देने का कार्य किया। श्री राजपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर की परमिशन भी अब रायपुर में आ चुकी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1000 पलंग का हॉस्पिटल भी महाराज जी ने निर्माण गरीबों के उत्थान के लिए कराया है। शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृत विद्यालय इंजीनियरिंग महाविद्यालय भी महाराज जी के संचालित हैं। कोरोना काल में महाराज जी के मन में विचार आया कि जगह जगह हॉस्पिटल बनाए जाएं और महाराज की पहल पर रायपुर में मेडिकल कॉलेज की केंद्र सरकार द्वारा परमिशन दी गई। छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सिटी की स्थापना